तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का। दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मात्र एक सेकंड में आप लोग पॉलिटेक्निक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से देख रहे हो तो डोंट वरी, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देर ना करते हुए, बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले परीक्षा की तिथि का ऐलान किया गया था और निर्धारित तिथि पर ही परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा प्रवेश परीक्षा 2022 का एडमिट कार्ड आप सभी स्टूडेंट्स किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं तथा परीक्षा पैटर्न क्या है रहने वाला, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यानी परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है इस वीडियो में बताएंगे, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 में परीक्षा में कुल 90 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित होंगे। ओके, अब यहाँ पर सुनिए, तथा परीक्षा की समय की अवधि 2 घंटे 15 मिनट होगी। सभी विषय के अनुसार प्रश्नों का विवरण इस प्रकार होगा। जो उम्मीदवार डिप्लोमा स्तर के पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए इच्छुक हैं, ठीक है, प्रत्येक वर्ष बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा में शामिल होते हैं प्रवेश परीक्षा के बाद। जी हाँ दोस्तों, प्रवेश परीक्षा के बाद काउंसलिंग और दस्तावेज जमा किए जाते हैं। काउंसलिंग का आयोजन अक्टूबर माह में किया जाएगा। इसकी आधिकारिक जानकारी सामने आ रही है। बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड 28 जून मंगलवार को जारी होना था, हालांकि तकनीकी समस्याओं के कारण एडमिट कार्ड में विलंब हुआ और आज एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। यानी 29 तारीख को एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आज 29 तारीख है। आप लोगों को कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है इस वीडियो के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार पॉलिटेक्निक की परीक्षा 9 जुलाई 10 जुलाई 2022 को होनी है। ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। मैं आपको पहले बताया हूँ कि 9 जुलाई और 10 जुलाई से परीक्षा स्टार्ट होने वाला है, आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीदवार का नाम लगेगा, फोटो, पंजीकरण संख्या, परीक्षा का रोल नंबर, जन्मतिथि, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा का समय, महत्वपूर्ण निर्देश, ठीक है, ये सभी जानकारी जान लीजिए। ओके, अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। आई डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो सर्वर 1 सर्वर 2 का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले सर्वर 1 पर चलते हैं और पॉलिटेक्निक एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है और कुछ जो है आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, यदि अगर आप अभी तक हमारी इस वेबसाइट को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। और दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को बताना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आसानी से एडमिट कार्ड को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड, देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को नीचे कॉलम में दिख रहे हैं एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करना होगा। आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। डीसीईसीओ परीक्षा लिंक पर क्लिक करें और DCEC एडमिट कार्ड 2022 डाउनलोड लिंक खोजें, लिंक पर क्लिक करें और पंजीकृत संख्या और जन्मतिथि दर्ज करें। ठीक है, दो चीज़ दर्ज करोगे आपके सामने एडमिट कार्ड जो है शो करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है उसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल लेना है। ओके, आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। चलिए, धन्यवाद, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।